अय्यूब की पुस्तक अध्याय 16। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 16। अय्यूब का वचन। तब अय्यूब ने कहा, ऐसी बहुत सी बातें मैं सुन चुका हूं। तुम सबके सब निकम्मे शांतिदाता हो, क्या व्यर्थ बातों का अंत कभी होगा? तू कौन सी बात से झिड़क कर उत्तर देता? मैं भी तुम्हारी सी बातें कर सकता हूं, जो तुम्हारी दशा मेरी सी होती तो मैं भी तुम्हारे विरुद्ध बातें जोड़ सकता और तुम्हारे विरुद्ध सिर हिला सकता। वरन मैं अपने वचनों से तुमको हियाव दिलाता और बातों से शांति देकर तुम्हारा शोक घटा देता। चाहे मैं बोलूं तो भी मेरा शोक न घटेगा, चाहे मैं चुप रहूं तो भी मेरा दुख कुछ कम न होगा। परंतु अब उसने मुझे उकता दिया है, तूने मेरे सारे परिवार को उजाड़ डाला है, और तूने जो मेरे शरीर को सुखा डाला है वह मेरे विरुद्ध साक्षी ठहरा है, और मेरा दुबलापन मेरे विरुद्ध खड़ा होकर मेरे सामने साक्षी देता है। उसने क्रोध में आकर मुझको फाड़ा और मेरे पीछे पड़ा है, वह मेरे विरुद्ध दांत पीसता और मेरा बैरी मुझको आंखें दिखाता है। अब लोग मुझ पर मुंह पसारते हैं और मेरी नामधराई करके मेरे गाल पर थपेड़ा मारते और मेरे विरुद्ध भीड़ लगाते हैं। परमेश्वर ने मुझे कुटिलों के वश में कर दिया और दुष्ट लोगों के हाथ में फेंक दिया है। मैं सुख से रहता था और उसने मुझे चूर चूर कर डाला। उसने मेरी गर्दन पकड़कर मुझे टुकड़े टुकड़े कर दिया, फिर उसने मुझे अपना निशाना बनाकर खड़ा किया। उसके तीर मेरे चारों ओर उड़ रहे हैं, वह निर्दय होकर मेरे गुर्दों को बेचता है और मेरा पित्त भूमि पर बहाता है। वह शूर की नाई मुझ पर धावा करके मुझे चोट पर चोट पहुंचाकर घायल करता है। मैंने अपनी खाल पर टाट को सी लिया है और अपना सिंग मिट्टी में मैला कर दिया है। रोते रोते मेरा मुंह सूज गया है और मेरी आंखों पर घोर अंधकार छा गया है, तो भी मुझसे कोई उपद्रव नहीं हुआ है और मेरी प्रार्थना पवित्र है। हे पृथ्वी, तू मेरे लहू को न ढांपना और मेरी दोहाई कहीं न रुके। अब भी स्वर्ग में मेरा साक्षी है और मेरा गवाह ऊपर है। मेरे मित्र मुझसे घृणा करते हैं, परंतु मैं परमेश्वर के सामने आंसू बहाता हूं कि कोई परमेश्वर के विरुद्ध सज्जन का और आदमी का मुकदमा उसके पड़ोसी के विरुद्ध लड़े, क्योंकि थोड़े ही वर्षों के बीतने पर मैं उस मार्ग से चला जाऊंगा जिससे मैं फिर वापिस न लौटूंगा।